Hey guys, welcome back to another video and आज हम लोग खेलेंगे The Ark of Horizon. ये एक beta testing prototype game है जिसमें कि battle royale modes भी include है. ये फिलहाल यहाँ पे आपको squad mode और solo mode के अलावा कुछ भी नहीं मिलता है. तो यहाँ पे जो कमेंट मिलता रहा है, मैंने ये कई बार ट्राई किया. जब भी मैच में कुछ चलता है तो यहाँ पे मेरे को शो करता है कि आप मैच मेकिंग के समय ट्रेनिंग रूम में जा सकते हैं. तो मैं ट्रेनिंग रूम में जाता हूँ. 22 मिनट तक मैंने हाईएस्ट मैच मेकिंग ट्राई करते हुए देखा, इन क्वे होके रह जाता है. यहाँ पे मेरे को ट्रेनिंग रूम शो करेगा. तो मैं यहाँ पे पहले से ही ट्रेनिंग रूम में एंटर कर रहा हूँ और आपको गेम का कुछ इंटरफेस दिखा देता हूँ कि यहाँ पे कैसे हैं. इसमें कुछ आपको सुपर पावर्स मिलते हैं. हर कैरेक्टर का एक सुपर पावर होगा जिससे कि आप चेक कर पाएंगे. देख सकते हैं यहाँ पे एक सुपर पावर है, फास्ट दौड़ने वाला. अगर मैं यहाँ पे ई प्रेस करता हूँ तो अभी नहीं आएगा. यहाँ पे करीबन 8 गन आप ले सकते हैं अपने. तो बॉट्स वगैरह होते हैं यहाँ पे, देख सकते हैं कितने सारे गन हैं. ये शायद स्नाइपर्स हैं, ये शॉट गन है, ये फेमस है, नहीं फेमस है ये वगैरह. गन्स को माउस के बटन को स्क्रोल करके आप गन्स वगैरह को चेंज कर सकते हैं. तो अभी यहाँ पे गन्स का नाम नहीं दिखा रहा है. तो ये सब जो है ये है बॉट्स, ये सब बॉट्स हैं. तो अगर आप मारेंगे तो उनका हेल्थ है. अब ऐसे और यहाँ पे आपको मिल जाता है वी दबाने पर आपको मिलता है स्वॉर्ड. तो देख सकते हैं काफ़ी कूल है. और ये एक सुपर पावर है जो ये बंदा अभी कर रहा था, एक सुपर पावर है. यानी कि यहाँ पे आप लिटरली ये गेम सोच रहा था, क्योंकि इसमें देख सकते हैं इसे मैच मेकिंग इतना समय लेता है क्योंकि इसमें बहुत कम प्लेयर है. बहुत कम प्लेयर खेलते हैं इंडिया से. एशियो सर्वर में बहुत कम प्लेयर, बहुत कम समय और ज़्यादा समय लगता है. ये इस गेम का एक नेगेटिव पॉइंट है. इससे तो मैं बता सकता हूँ इससे बहुत वाव में देखा भाई. और ये शॉटगन है, मैंने कई गेम ट्राई किए हैं बट इतना ज़्यादा समय मैच मेकिंग के कोई भी गेम नहीं देता है. 8 नंबर का गन देखते हैं कौन सा. वो भाई साहब तबाही मचाएंगे. वो देखो 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 भाई, उड़ रहा है बंदा. ये शायद ग्रेनेड लॉन्च मे बी, आई थिंक ये ग्रेनेड लॉन्चर है. वो टेलीपोर्ट हो गया मैं अभी, अभी थोड़ी देर पहले मैं टेलीपोर्ट हुआ था. ये देखो भाई ग्रेनेड लॉन्चर. वाह, ये रहा मेरा स्वॉर्ड यानी कि कटाना. इससे तुमको काटेंगे भाई. यहाँ पे स्नाइपर्स वगैरह भी होते हैं. वाओ, व्हाट इज दिस, ये क्या है भाई, ये क्या था. दो शॉट्स में खत्म. देखा अभी टेलीपोर्ट हो गया मैं, एक सेकंड के लिए टेलीपोर्ट हो गया था. वाओ, व्हाट द फक, कुछ अनरियल सा लग रहा है. जैसे कि फोर्टनाइट में होता है वैसा हो रहा है, कुछ अनरियल सा एक्सपीरियंस हो रहा है. एच टू स्विच स्किल्स, वाओ एच टू स्विच स्किल्स. यहाँ पे कुछ
उड़ने वाला जो था वो चूज करना पड़ेगा। So insane. वाओ, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड मार रहा है भाई। और दबा के आप ऐसे सामने देख सकते हैं पूरा। अगर आपके पास कोई गन स्किन हो तो कौन सा स्किन लिया है मैंने मुझे तो नहीं पता ठीक से। समवन ए शील्ड टू एसिमिलेट डैमेज Continuing 2 second absorb 2D. What is this? उड़ने वाला कोई है क्या? कुछ skills वगैरह? मेरा जो उड़ने वाला था वो कहाँ गया? Wow, गायब हो गया मैं। Wow, देख सकते हैं आप लोग। मैं यहाँ पे गायब हो चुका हूँ और तबाही भी मचा सकता हूँ ये ज़्यादा समय के लिए। काफ़ी खतरनाक है। घर में खतरनाक है तो अच्छा होगा। ये कौन सा है? ये जो जेट पैक टू इंस्टेंट एलिवेट। ओके, तो यही मैं बात कर रहा था। देखो भाई, इसी की मैं बात कर रहा था। नहीं, एक्चुअली इसी की नहीं, इससे सिर्फ आप एलिवेट कर सकते हैं अपने आप को। मैं जिसकी बात कर रहा था उससे आप उड़ के जा सकते हैं। वाओ, तो यहाँ पे शायद कुछ चार्ज वगैरह करना पड़ता है, अपने जेट पैक को थोड़ा चार्ज करना पड़ता है फिर भी आप उड़ सकते हैं। ओके, अभी उड़ के देखते हैं। वो हवा में आप गन्स यूज कर सकते हैं, अपने गन्स को आप हवा में स्नाइपर राइफल भी कर दो। बट ऐसे भाई ये कौन सा गन है? करीबन 7-8 गोली मेरे को मारने पड़े फिर जाके बात बनी। रिफ्लेक्सेस जो है काफी फास्ट है, बट जो स्किल्स या फिर ग्राफिक्स है मेरे को देख रहे हैं काफी रियलिस्टिक है, बट ये जो जंप्स वगैरह कर रहे हैं ये थोड़े अनरियलिस्टिक सा है। मैं बता नहीं सकता बट थोड़ा अनरियलिस्टिक लगता है। शील्ड, ओके, ये क्या है? एयरड्रॉप, मैग्नेटिक बॉल, कास्टिंग ए मैग्नेटिक बॉल ड्रॉइंग होस्टाइल यूनिट्स टू द सेंटर ऑफ द बॉल विद इन द रेडियस ऑफ व्हाट? व्हाट नेक्स्ट? व्हाट द हेल इज दिस? अभी देखो भाई, यही मैं बात कर रहा था। देखो देखो देखो, जेट पैक लगा के उड़ रहा है भाई साहब। देखो 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 भाई, ये क्या है? आई थिंक कुछ शील्ड वगैरह। ओ, इससे बाहर आप गोली नहीं मार पाएंगे। आई थिंक इससे बाहर गोली नहीं मारा जा सकता, मेरे को तो वही लगता है।
इससे बाहर शायद गोली मार देते हैं और इसके अंदर भी गोली मार देते हैं। देखो देखो भाई गोली अटक रहा है, कुछ ही सेकंड्स के लिए ये बनते हैं। तो भी जाके अपने सुपर पावर्स को बदल लेते हैं। एज दबाने पर अपने सुपर पावर्स को बदल सकते हैं। वो ये क्या है, वो क्या था भाई? इस गेम में अभी घूमने के लिए बहुत कुछ है। आई थिंक ये गेम बहुत कूल होने वाला है। अभी ये शायद बीटा टेस्टिंग में है, मेरे को अभी भी इनको दिखा रहा है 10 मिनट हो चुके हैं, अभी भी मैच में एंटर नहीं हो रहा है। क्या बताएं तुमको, अभी तो अभी टेलीपोर्ट होंगे बहुत फास्ट। लेट्स गो, उड़ के कहाँ पे गया? अभी मैं टेलीपोर्ट हो गया यहाँ। ये शायद मेडकिट्स वगैरह हैं, कुछ ऐसा ही कुछ समझ लो। वो उड़ने वाला जो स्किल है वो कहाँ पे है मेरे को पता नहीं, आई थिंक ये वाले हैं या फिर ये वाले हो सकते हैं। वाह इसकी ड्रेस देखो भाई, वो यही मैं बात कर रहा था, यही बात कर रहा था। देखो 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 वो यहाँ पे आप गन्स वगैरह देख सकते हैं कि आप कौन से गन्स लिए हैं। दबाने पर आपको जेट पैक टर्न ऑन करने का मौका मिल जाता है। यहाँ पे आप ऐसे जेट पैक लगा सकते हैं, फिर राइट क्लिक या फिर कैसे भाई। ओ ओके ओके, तो आई थिंक इस गेम में अभी इतना ज़्यादा मैच मेकिंग का इशू हो रहा है, तो आई थिंक मेरे को इस गेम को क्लोज। तो गाइज आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।